नमस्कार, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। आप कहीं भी रहें, खुशहाल रहें और अपने स्वास्थ्य के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दें। आइए इस वीडियो में एक अनोखा मनमोहनी वशीकरण तिलक का वीडियो दिया जा रहा है, जो कि अति कलाकार। यह ऐसा एक मनमोहनी वशीकरण तिलक है कि यह तिलक लगा के अगर जिसके तरफ भी देखा जाए, वही आदमी जो है आपके ऊपर मोहित हो जाएगा, यानी आपके बस में हो जाएगा। तो आइए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी सामान की आवश्यकता है। तो देखिए, इसमें आपको चार सामान लेना है। सबसे पहले सफेद फूल वाला मदार आँख, या कौन कहिए, जिसका दूध आँख में लग जाने से आँख खराब हो जाती है, इससे समझ लीजिए वो क्या है। और मैं उसको दिखा भी रहा हूँ। देखिए, यह है सफेद फूल वाली मदार, इसको आंख भी बोलते हैं, एकवन भी बोलते हैं। इसका अगर दूध आंख में लग गया तो आंख खराब हो जाती है। अब इससे समझिए कि ये क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं आंख, एकवन, मदार। तो इस सफेद फूल वाली मदार का जड़ आपको खोद के लाना है रविवार के दिन। देखिए, ये भी देख लीजिए, एक छोटा सा पौधा है जिसको आँख, एकवन, मदार बोलते हैं। इसका दूध आँख में लग जाने से आँख खराब हो जाता है। तो ये रही प्रथम, सफेद फूल वाली मदार का जड़ लेना है रविवार के दिन। अब जब खोद लीजिए, कोई टोक टाक ना करे, क्योंकि ये टोटका है, कोई टोक टाक ना करे, जड़ खोद के लाके रख लीजिए। उसको आराम से एक दो दिन धूप दिखा दीजिए ताकि वो खराब ना हो। और दूसरा, कपूर, ऐसे देसी कपूर आपको लेना है। और केसर एक डिब्बी ले लीजिए, या जितना मर्जी आप ले लीजिए, उसको भी थोड़ा बारीक कर लीजिए और कपूर को भी बारीक करके अलग अलग शीशी में रख लीजिए। और चौथा, बंसलोचन, पंसारी के यहाँ मिल जाएगा बंसलोचन। केसर, कपूर, बंसलोचन, यह पंसारी के यहाँ मिल जाता है आराम से। और इसका सबका बारीक पाउडर करके अलग अलग रख लें। अब जो है इसका पूरा विवरण सुनिए। सामान तो मैं आपको सब बता दिया। यह एक अचूक मनमोहनी वशीकरण तिलक है। यदि इस तिलक को कोई पुरुष लगाकर किसी भी स्त्री के ओर देखता है, वह उस पर मोहित हो जाएगी, यानी बस में हो जाती है। तो रविवार के दिन सफेद, यही सफेद आम मदार का जड़ लेना है जी। मैं आपको पौधा दिखा रहा हूं, आपको जड़ लेना है रविवार के दिन सफेद फूल वाला मदार का जड़ लाकर एक दो दिन धूप दिखा लीजिए और फिर उसे पीस लें। पीस के बिल्कुल मैदा जैसा बना लें और उसमें थोड़ा मात्रा में, अल्प मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में केसर डालिए और थोड़ा सा ही मात्रा में कपूर, ना के बराबर कपूर, ना के बराबर केसर, ना के बराबर बंसलोचन, सबको मिला के और तब जो है पानी के सहारे उसको लेप बनाइए। लेप बना के तैयार कर लें, फिर जो है उसको तिलक लगावें।
अब तिलक लगा के आप घर से बाहर निकलेंगे तो जिनके तरफ नजर उठा के देख देंगे वह स्त्री मोहित हो जाएगी। यह अति कलाकार, यह एक वशीकरण मनमोहनी तिलक है जी। तो इसे आप करें और इसे लाभ उठावें। इसी तरह से मैं आगे भी आपको एक से एक मोहिनी तिलक वशीकरण आकर्षण देता रहूंगा। अब मैंने आपको मटेरियल भी बता दिया हूँ कि इसमें चार मटेरियल की आवश्यकता है। सफेद मदार का जड़ लेना है रविवार के दिन, बंसलोचन लेना है, कपूर लेना है, केसर लेना है। तो रविवार के दिन सफेद मदार, सफेद फूल वाली मदार का जड़ लाकर उसको एक दिन एक दो दिन धूप दिखा लीजिए और सुरक्षित रख लीजिए। और जब भी आवश्यकता हो तो रविवार के दिन इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर रविवार के दिन लाए हैं तो या तो रविवार में ही कभी कर लीजिए, नहीं तो किसी भी दिन को आप कर सकते हैं, लेकिन ये सीधी रविवार के दिन ही जड़ लाना है जी, तभी ये कलाकार होगा। अगर रविवार के यह तिलक लगा लगा के आप कहीं जाते हैं तो और कलाकार होगा। तो इस तरह से, और ये केसर को अल्प मात्रा, मतलब ना के बराबर, कपूर ना के बराबर, बंसलोचन ना के बराबर, सबको मिला के लेप तैयार करके तिलक लगावें, तब घर से जाएं, जो भी देखे वो आपके ऊपर मोहित हो जाए। तो दोस्तों, रही ये है वीडियो, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।